एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्षी नेताओं की बयानबाजी का स्तर गिर रहा है। पहले सीपी जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर बयान दिया, फिर राज बब्बर एक कदम और आगे पहुंच गए और प्रधानमंत्री मोदी की मां का ही अपमान करते हुए कहा कि रुपया आप प्रधानमंत्री मोदी की मां की उम्र को भी पार करने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2014 में जो मोदी लहर थी वो 2018 में मोदी जहर बन गई है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान जरूरी है, लेकिन या तो वो ये सब दिखावे के लिए कहते हैं क्योंकि असल में सभी को उनकी ही तो शय मिली हुई है, या फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उनकी ही पार्टी में कोई सुन नहीं रहा। सबसे पहले आपको इन विवादित बयानों की लिस्ट में सीपी जोशी का विवादित बयान सुनवाते हैं। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों का काम नहीं, ब्राह्मण तो समझ देते नहीं, 50 साल में इनकी अकल बाहर निकल गई। उमा भारती की क्या जात है मालूम है किसी को? अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता है तो पंडित जानते हैं। ये अजीब देश हो गया, इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस बयान पर कहा, सीपी जोशी जी का बयान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आदर्शों के विपरीत है। पार्टी के नेता ऐसा बयान ना दें जिससे समाज के किसी भी वर्ग को दुख पहुंचे। कांग्रेस के सिद्धांतों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर होना चाहिए और जोशी जी को जरूर गलती का एहसास होगा, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उन्हें अपने बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। तो राहुल गांधी की नसीहत के बाद या कह लीजिए हिदायत के बाद सीपी जोशी ने सफाई पेश की, ट्वीट किया, बीजेपी द्वारा मेरे बयान से छेड़छाड़ कर उनके इस्तेमाल की कड़ी निंदा करता हूं मैं। ये सीपी जोशी कह रहे हैं कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए मेरे कथन से समाज के किसी वर्ग को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, ये सीपी जोशी की तरफ से कहा गया है। और इन सबके बीच लगातार सियासी हमले तेज हो रहे हैं सीपी जोशी के बयान को लेकर, बर्खास्त करने की मांग की है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने आज सुबह जो ट्वीट पे सीपी जोशी जी के खिलाफ माफी मांगने की बात की है ये केवल नाटक है। आपको समझना होगा कांग्रेस पार्टी बंद कमरे के अंदर अपनी स्ट्रेटजी करती है और वो रिकॉर्ड हो जाती है और अगर मीडिया के सामने आ जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी जी अब आप रंगे हाथ पकड़े गए हैं, यू हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, यू शुड रिमूव सीपी जोशी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ कि आप में अगर हिम्मत है, आप अगर वाकई क्षुब्ध हुए हैं सीपी जोशी जी के इस बयान से तो अभी तुरंत एक घंटे के अंदर सीपी जी जोशी जी को बर्खास्त करे कांग्रेस पार्टी। जाप सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी जुबानी मर्यादा भूल चुके हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार पर से लोगों का भरोसा टूट चुका है, 2014 में जो मोदी लहर थी वो अब मोदी जहर बन चुकी। जो विश्वास था मोदी साहब पे वो चकनाचूर हो गया है, जो लहर थी 2014 की वो कहर बन गई है, आम आदमी पे जहर बन गई है आम आदमी के लिए। मोदी साहब सिर्फ पूंजीपतियों की, बड़े बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली बन के रह गए। बीजेपी ने पलटवार किया है, सिद्धू को पंजाब सरकार में नहीं पाकिस्तान की इमरान सरकार में मंत्री बनना चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये नवजोत सिंह सिद्धू जी आज भोपाल में क्या कर रहे हैं, ये इमरान खान की कैबिनेट में क्यों नहीं है? कमर बाजवा जो पाकिस्तान का आर्मी का चीफ है जिसके कारण हिंदुस्तान में आतंकवाद फैल रहा है उसकी पीठ थपथपा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? सिद्धू जी थोड़ा तो शर्म करो, जिस देश का खाते हो आप उसी के खिलाफ गाते हो। तो आरोपों प्रत्यारोपों के बीच, इस पलटवार के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर इन सबसे एक कदम आगे चले गए, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की मां पर जाकर उन्होंने टिप्पणी कर दी। राज बब्बर ने कहा कि रुपए ने पहले ही पीएम की उम्र पार कर ली है और अब उनकी मां की उम्र पार करने वाला है। रुपए आज इतना गिर गया है कि उस वक्त के प्रधानमंत्री की उम्र बताकर कहते थे कि उनकी उम्र के करीब जा रहा है। आज प्रधानमंत्री महोदय आपने तो इज्जत से दान नहीं दिया था, हमारे संस्कार हमारी परंपरा ये नहीं कहती, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का रुपया। बौखलाहट के कारण रह रहे के प्रधानमंत्री की मां के ऊपर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना,
आप प्रधानमंत्री जी की माँ की आयु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदौर नगरी में अहिल्या माँ, नर्मदा माँ, हर घर में माँ के प्रति सम्मान और यहाँ माँ का अपमान, ये नहीं सहेगा मध्य प्रदेश, ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल जी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपके नेता नहीं करने चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। और इस सियासी बयानबाजी के बीच सीधे रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, एक के बाद एक बयान, सीधे हमले प्रधानमंत्री मोदी पर, कई निजी हमले उनकी मां को इस बहस में लेकर आ गए हैं, इन हमलों में लेकर आ गए हैं, बहुत ही शर्मनाक। जाहिर तौर पर देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगता है तो ये सियासत में है और वो प्रशासन के मुखिया हैं, जरूरी है, और जाहिर तौर पर अगर विपक्ष लगाता है तो ये सियासत में चल सकता है। लेकिन अगर किसी परिवार वैसे व्यक्ति पर लगाया जाए जो माँ माँ होती हैं लेकिन सियासत से परे जो हो, उस पर इस तरह की बात कहे, टिप्पणी किया जाए, ये कटाक्ष किया जाए, तो जाहिर तौर पर भारतीय समाज, हिंदुस्तान का समाज कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो किसी विचारधारा को। और जिस तरह से उनकी माँ पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और इस तरह की बयानबाजी की गई है, ये कतई कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के कैडर है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बात पूरे देश की बात ही छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के कैडर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा राजबब्बर के इस तरह के बयान के। लेकिन जहां तक दूसरे बयान है सीपी जोशी का या दूसरे नेताओं का, तो कांग्रेस में एक कल्चर बन गया कि तुमसे बड़ा हम बयान दे सकते हैं, विवादास्पद बयान ही क्यों न हो। आपने मणिशंकर अय्यर का देखा होगा, गुजरात विधानसभा चुनाव के समय नीच शब्द किया, उनको एक्सपेल्ड किया गया, बाद में पार्टी में उनको वापस ले लिया गया। अब इसी तरह के शशि थरूर कई तरह के बयान देते रहे हैं, अब सीपी जोशी दे रहे हैं, राजबब्बर दे रहे हैं, और कांग्रेस के एक पूर्व बड़े नेता रहे हैं, वो भी कई बार इस तरह के बयान देते हैं। तो बयानबाजी जो हो रहा है, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कांग्रेस को शायद फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप अदिति एक बात है, रविंद्र, हमने देखा है जैसे लफ्जों का इस्तेमाल 2014 से पहले कैंपेन में किया गया था मणिशंकर अय्यर द्वारा, हमने नतीजा देखा था, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कह दिया था, वो भी हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये बात तो समझ से परे है कि उसको समझ नहीं आ रहा, ऐसी लफवाजी, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल हमेशा उसके अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ जाता है। देखिए, कर्नाटक में लिंगायत वाला मसला हुआ था, हिंदू धर्म को बांटने का आरोप लगा कांग्रेस पर, उसका खामियाजा भले ही सत्ता में हो लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को, सत्ता में अपने दम पर नहीं आई। अब यहाँ पर ब्राह्मण कहा जा रहा है कि ब्राह्मण हिंदुत्व समझ सकता, बाकी कोई कास्ट नहीं समझ सकता, यहाँ भी कहीं ना कहीं ये बात चलेगी, क्या हिंदुत्व को समझने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है? इस पर भी हिंदू धर्म को या हिंदुत्व को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, सीपी जोशी जैसे बड़े नेता, तो इसका जाहिर तौर पर खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में, बल्कि आने वाले भी लोकसभा चुनाव तक ये मसला आगे भी जाएगा और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ही पड़ेगा। एक बात और मैं बता दूं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी गोबल्स के एक नया रूप है, अगर गोबल्स मान भी ले जाए तो कहीं ना कहीं अगर झूठ का 100 बार प्रचार करती है बीजेपी तो उसे सच बना देती है। यहाँ तो सच है, सचमुच में दिया गया बयान है, तो सोचिए कि बीजेपी इसका कितना प्रचार प्रसार करेगी, कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, राहुल गांधी को उतरना पड़ा, आपने देखा कि खेत प्रकट की है, तो ऐसे राहुल गांधी कितनी बार उतरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रविंद्र कुमार इस अपडेट के लिए।